ये हमारे लखन जी नाव चला रहे हैं। लखन जी कैसा लग रहा है आपको? कूद के तालाब में नाव में बैठ के घूमने का अच्छा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना जी, बारिश भी हो रही है। हाँ। और बारिश के साथ साथ में घूमने का भी जो है मजा आ रहा है। नमस्कार, मैं लखन सालवी और ये तस्वीरों में ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप भूज के पानी का ओवरफ्लो में पानी बह रहा है जमकर, और लोग गोगुंदा सेमताल से देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। भारी संख्या में जो है जल राशि यहाँ से निकल कर बहती हुई नजारा है आप देख पा रहे हैं। ये पानी भूज का नाका बांध जो है जो लगभग 15 फीट गहरा है, वहाँ से ये पानी ओवरफ्लो होके रपट से बहता हुआ इधर आ रहा है। सामने की तरफ रोड है जो गोगुंदा से बरवाड़ा जाती है, और इस रोड को पार करते हुए ये पानी सीधा यहाँ से होकर इतना तेज गति से जो है बहुत ही फास्ट ये पानी, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे जाए तो 6-7 लोग एक साथ भी अगर जाए तो उनको ये पानी बहा ले जाए नीचे की ओर। इतना तेज गति से पानी आकर यहाँ पर गिर रहा है आप देख सकते हैं। भूज का नाका बांध से ओवरफ्लो होकर पानी बनास नदी में समा जाता है। ये नीचे से लिया गया वीडियो है जो गोगुंदा बरवाड़ा सड़क से नजर नहीं आता है। सड़क से लगभग 100 मीटर दूर पानी इस तरीके से गिरता है। हालांकि सड़क के ऊपर की ओर जहां से पानी तालाब की रपट से बाहर निकलता है वहां का नज़ारा भी जोरदार होता है। आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। भूज का नाका बांध के आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। बारिश के दिनों में आसपास के लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। चारों ओर हरियाली की चादर ओढ़े पहाड़ियाँ नजर आती है, वहीं पहाड़ियों के ऊपर सफ़ेद कपासी मेघ दिखाई पड़ते हैं। यहाँ प्रकृति इतनी रमणीक है कि यहाँ आने वाले लोग घंटों तक यहाँ रुकते हैं। आप भी इस जगह का भ्रमण जरूर कीजिएगा। तो ये जो है सेमताल के भूज का नाका बांध का जो है पाल की साइड का हिस्सा है। यहाँ पर जल संसाधन विभाग का ये दफ्तर जैसा बना हुआ है, नाके पे निगरानी के लिए मुझे लगता है चौकीदार के लिए ये व्यवस्था है। उधर वो पूरी पाल है और हमारे साथ है मुरली जी। तो मुरली जी, बचपन में तो आप लोग खूब यहाँ पर आते रहे होंगे? यहाँ हाँ सर, बहुत आते हैं। और जगह भी जो है तालाब के नाम की, ये बहुत बड़ी जगह है। यहाँ का उपयोग पिकनिक के लिए और उस तरीके से अच्छा किया जा सकता है। अच्छा किया जा सकता है, जैसे नीचे बहुत अच्छा टेंपल भी बना रखा है जी। तो लोगों को जानकारी नहीं है अभी, हम लोग आते हैं लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है जी, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं। नहीं, अभी जैसे वो जो पानी का ओवरफ्लो जो है वो एक तरीके से ये जो पुलिया थी, पुलिया यहाँ पे ओवरफ्लो होके नीचे की तरफ पानी जाता, तो सब लोग यहीं पर आते हैं ओवरफ्लो के पास, लेकिन इस पाल पे बहुत कम लोग आते हैं। जबकि यहाँ काफी बहुत बड़ी तो जगह है और यहाँ से जो तो नजारा है पहाड़ियों के वो काफी घमांड का, वो मंगरा है पहाड़ जो है वो दिख रहा है। और यहाँ के पानी का जल संसाधन विभाग ने भी यहाँ के पानी का कभी पेयजल के रूप में उपयोग नहीं किया है। यहाँ पर 73 MCFT जो बड़ा क्षमता है, हाँ, 65 MCFT का उपयोग किया जा सकता है। पानी यहाँ खूब है, और बस वो कैंप जो लगे हुए वो शायद मछली पालने वाले लोगों को, लोगों मछली वो सब मछली पालते नहीं है, उनको चौकीदारी के लिए रखा गया है। अच्छा अच्छा। आसपास में यहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, हाँ, वो लोग मछली निकाले ना, हाँ, इनका टेंडर है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, इसलिए वो वहाँ रखा गया, वो निगरानी कर। और ये पहले विभाग के द्वारा ही यहाँ पे कुछ बनाए गए होंगे ये स्ट्रक्चर जो ढह रहे हैं अब। पहले देखिए पीली मिट्टी में निर्माण हो सकता है, सीमेंट और चूने के लिए प्रावधान हो, लेकिन वो चूना तो खा गए होंगे और पीली में बना दिया होगा। ये है तो ये पूरा भूज का नाका बांध है और इसकी गहराई लगभग 15 फीट इसका गेज है, और यूं देखे तो विस्तार में काफी बहुत बड़ा है। ये सेमताल को छू रहा है वहाँ पे, मतलब अभी
इसके अंदर 180 करोड़ लीटर पानी है। 180 इसको कभी सूखा देखा? सूखा बहुत साल पहले देखा था यहाँ पर, बीच में शायद एक मंदिर, छोटा सा मंदिर भी है, बहुत साल पहले, बाकी ऐसा सूखा तो नहीं देखा। पानी इसमें भरा ही रहता है, तभी यहाँ मछली पालन जैसी चीजें हो पा रही है ना। तो लगन जी, आपको भूज के तालाब पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पाल जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा अच्छा। और फिर नीचे मंदिर जो है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ का तो नजारा ही बड़ा गजब का था। सही है। तो कुल मिला के आज आपने एक ऐसी जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खाख में छोरो और गांव में डिंडो, बात हो गया कि इतनी बढ़िया जगह हमारे पास में है लेकिन हम यहाँ कभी नहीं आ पाए, और आज आपकी वजह से सुंदर तालाब का, पाल का और सभी जगह पे हम घूम पाए। हमने तालाब की पाल का भ्रमण किया। यहाँ से रवाना होते समय तालाब की निगरानी रखने वाले बिहार के समस्तीपुर जिले के दो युवा हमें मिले। वे नाव से तालाब के दूसरे छोर पर जा रहे थे। हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने हमें नाव में बिठाकर तालाब की सैर करवाई। कैसा लग रहा है अंदर? मजा आ रहा है। बारिश के साथ है? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, तो देखिए इधर लाओ ना हमारी तरफ इसको। नाव निकल नहीं रही है हमारे से बाहर, हम बीच में फंसे हुए हैं, नाव बाहर नहीं निकल रही है। अब लखन जी बाहर नहीं निकलोगे, मैं तो खुद के तैर के बाहर निकलूंगा। अब निकाल देंगे साथ, चिंता मत करो, ये तो ये साला इसको बांध रखो ना, थोड़ा अलग किस्म का। वाओ ग्रेट मुरली जी, बराबर बैठे हाँ, बराबर रखे दोनों को साथ साथ, और आप बीच में ना ले जाए, तालाब के बीच में मत ले जाओ यार मुरली जी, किनारे की तरफ ले जाओ। भूज का नाका बांध के अंदर नाव चलाते हुए मुरली जी। तो मुरली जी पहले कभी चलाया ऐसे? हाँ, पहले चलाई है। हाथ से ऐसे? हाँ। कहाँ पे? यहीं पे चलाई हुई है। अच्छा, यहीं पे। हाँ, ये तो गांव का तालाब है आपका। हाँ, हाँ। तो जब चाहो तब आ जाओ। हाँ। चला लो। हाँ, पर विजय जैसे कोई आदमी साथ में हो तो थोड़ा सा यूं मजबूती आत्मविश्वास रहता है। जैसे आपको तो तैरना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है? हाँ, आसान है, थोड़ा सी प्रैक्टिस चाहिए। देखो गाड़ी चल रही है और ये थोड़ा फास्ट चलाते हैं, अपन थोड़ी स्लो चलाते हैं जी। हाँ, और जिधर से जिस तरफ से मोड़ना हो उधर से आप ज्यादा वो करो तो ये गई आपने फंसा दिया। तो ये हमारे मित्र हैं, हमारी दोस्ती हो गई है विजय कुमार से। और ये जो आज बारिश हुई तो बारिश के कारण जो नाव में पानी चला गया उस पानी को निकाल रहे हैं बाहर। और अब हमारे साथी देखो, वो उनको शर्म आ रही है बड़ी, वो भग रहे हैं ताली बजाते हुए, आ जाओ यार अब तो, अब अंदर बैठते हैं इधर। अरे हमको अंदर तो बिठाओ, इतना सा घुमा दो भैया। मोबाइल लेने जा रहे हैं ना भैया ना, तो उधर आपने अपना दोस्त बना रखा है विजय। दोस्त को क्या मछली देते होंगे? ऐसे ही दोस्त है। अच्छा, आप अपना सामान वामान लाते होंगे इसलिए। अच्छा है, अच्छा है। हाँ भाई, घर पे बात तो करनी पड़ती है ना, गांव मम्मी पापा से बात करनी पड़ती है, मोबाइल की जरूरत पड़ती है। पावर बैंक की? अच्छा, पावर बैंक भी लगा रखा है? मोबाइल यही पावर बैंक वहाँ पे है तो। अच्छा, मोबाइल तो साथ में चाहिए। हाँ, सही बात है। और फिर टाइम भी कैसे पास करो पूरे दिन भर का, तो मोबाइल तो चाहिए ही। बिहारी गाने सुनते होंगे है ना, बिहार के गाने? किसके? उसके सुनते हो गए यार, वो गए थे ना, क्या नाम है उसका, खेसारी लाल। खेसारी लाल, मैं आ जाऊँ क्या अंदर? आओ ना, आप भी आओ ना अंदर। अरे आइए ना आप, तो अपन ना ऐसे बात कर रहे हैं, अपन थोड़ी ना। आइए 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 आइए, देखो विजय तो। हाँ आप बता दो। अच्छा अच्छा, बैठो सर, आप बैठो। मैं ये बैठ गया, हम भी चलाएं एक को, हम ऊपर चलाएंगे। वाह, तो विजय ये बताओ, तुम भी समस्तीपुर के ही हो क्या? हाँ, और कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हाँ, दो महीना। पढ़ाई किए हो कहाँ तक? नौवीं तक। तो पहली बार ही आए या पहले भी कभी आए राजस्थान में? पहली बार। तो दोनों ही दोस्त का, वो क्या लगते हैं आपके रिश्ते में, क्या लगते हैं? गांव के हैं। बिल्कुल, ये धीरे धीरे विजय जी जो है इसको चला रहे हैं, इनके जो साथी थे वो बिल्कुल उधर चले, आ नहीं रहा कोई बात नहीं। बहुत तेज गति से जो है हमारी नाव आगे जा रही है। और इसका
अल्लाह आओ ना यार, मजा आता है यार, थोड़ा आता है यार, आ जाओ यार, मैं इसके पास आओ, यहाँ पे यहाँ से बैठ जाओ, यहाँ इसके पास आओ ना, थोड़ी बात करेंगे यार, आओ ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे लखन जी कैसा लग रहा है आपको? भूज के तालाब में नाव में बैठ के घूमने का अच्छा मजा आ रहा है, मीठी बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ साथ में घूमने का भी जो है मजा आ रहा है। और बिजेश को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप कहाँ जा रहे हैं भैया, इधर आए ना। अरे कहाँ चलाना है? अब देखो, जिसको जिस तरफ से ताकत लगाओगे ना मुरली जी, उस तरफ से ये मुड़ेगी, मतलब समझ में आ गया। आपको YouTube वाला वीडियो चालू है क्या? हाँ दोनों वीडियो चालू है ये, वैसा बिल्कुल आपको आता है। हाँ हाँ ये चालू करो, बटन दबाओ, ओके बराबर रखे दोनों को साथ साथ, और आप बीच में ना ले जाए, तालाब के बीच में मत ले जाओ यार मुरली जी, किनारे की तरफ ले जाओ।